तुमने मुझे कहा था कि ये यहाँ मेरी हिफाजत के लिए, लेकिन मुझे यहाँ भी मेरी जान का खतरा महसूस हो रहा है। मुझे यहाँ नहीं रहना, सुन रहे हो ना? मुझे जाना है यहाँ से। शांत हो जाओ कालिंदे, शांत। नहीं, कब तक यहाँ पे घुट घुट के जीऊंगी? मुझे जाना है प्लीज। पर हम इसे तेरी हिफाजत के लिए लाए हैं। रुकिए बौजी, ऐसे यहाँ नहीं रहना है तो हम इसे बस से यहाँ रोक नहीं सकते। इसे ऐसे जाना है ना तो मैं यहाँ से इसे लेके जाऊंगा। कब लेके जाओगे? कब से यही बोल रहे हो? अभी अभी लेके जाऊंगा। बुआ जी, इतनी गहरी चोट कैसे? मेरी चोट की चिंता छोड़ और तू यहां से जाने की तैयारी कर। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। I'm sorry. मैंने बहुत कुछ कह दिया। सच तो ये है कि वो ब्रह्म राक्षस का डर मुझे सता रहा है। अगर वो मुझ पे अटैक कर देता तो मुझ में इतनी भी क्षमता नहीं है कि मैं कुछ कर पाती। बुआ जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये चोट आपको ब्रह्म राक्षस ने दी थी, जब आप उसे रोक रही थी यहाँ आने से मुझे बचाने के लिए? ये बात पता कर हम तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, पर ये सच है कि ब्रह्म राक्षस कहीं आसपास ही मंडराता रहता है, रात दिन उसका खौफ लगा रहता है। कहीं वापस तुम पर वार ना कर दे वो। बुआ जी, मैं अभी आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई। देख बतिके, मैंने अब तक वही किया जो तूने मुझसे कहा, लेकिन इस लड़की को राक्षस से बचाने के चक्कर में हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। जाने दे इसे। बुआ जी, मैं एक पुलिस वाला हूँ और अम्बाला के लोगों रक्षा करना मेरा फर्ज है। उस लड़की को उस राक्षस के हवाले करके मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। अरे लेकिन बात खत्म। युग के बारे में क्या सोचती हो? लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही इज? युग? हाँ युग। बेसिकली जितना क्रिमिनल्स के बारे में मैं जानता हूँ ना, वो अपने से ज्यादा किसी और के बारे में कुछ नहीं सोचते। वो उन्हीं लोगों पे ज्यादा नजर रखते हैं जो लोग उनके ऊपर नजर रखते हैं। और तुम्हें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, तुमने भी काफी लोगों पे नजर रखी होगी। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि युग किस तरीके का इंसान है, वो क्या करना चाहता है? अगर वफादारी ईमानदारी की डिक्शनरी खोल के वफा की नजर से देखो ना, तो तुम्हें युग का मतलब पता चलेगा। ईमानदार, मेहनती, आखिरी दम तक गुनहगारों का पीछा करने वाला, जो सुई की तरह एकदम सीधा है, ना कभी खुद गलत करता है ना कभी दूसरों को गलत करने देता है। मीन ईमानदारी लोगों को हजम नहीं होती है, इससे 13 बार उसका ट्रांसफर हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? अगर वो सुई की नोक की तरह इतना ही सीधा और ईमानदार है तो पुलिस के रिकॉर्ड में युग का एड्रेस क्यों नहीं? हेलो, कहाँ खो गए? एक बात बताओ। कम ऑन क्यूरी, बोल दो, तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊँ? तो नहीं जाऊंगी, एक बार रोक के तो देखू। ये कब का डिपार्चर है तुम्हारा? चलो जो भी, जल्दी से टिकट बुक कर लो, शादी का सीजन है, बहुत सारे ऑफर्स चले हुए हैं, फ्लाइट्स के भी और ट्रेन्स के भी। जल्दी टिकट बुक करा लो इससे पहले कि ऑफर निकल जाए। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक। सुन लिया दी? अब यहाँ कोई होप नहीं है। आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया, अब यहाँ इस घर में और रुक के और कोई फायदा नहीं है। आप जाओ यहाँ से। आपके और अंकल जी के बीच में कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स होगा। बस एक तुर्क का इक्का चाहिए मुझे उस पत्थर दिल को पिघलाने का। अब गेम ओवर दी, कब कुछ नहीं बचा है, क्या करोगे आप? अरे तू सोचने तो दे, लेट मी फोकस। मिंटी इज प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट? अरे वाह, मुबारक हो, घर में नई जनरेशन आने वाली है भाई, मुबारक हो। पहले क्यों नहीं बताया यार? कमाल है रॉबिन, तू डैड बनने वाला है, मिंटी मॉम बनने वाली है, हमारे घर में छोटा रॉबिन है, मिंटी आने वाली है, मॉम डैड ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले, मैं चाचा बन रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी, मैंने दी को बताया, उसके बाद मैं आपके पास आने वाली थी। इनफैक्ट रॉबिन से भी पहले मैं आप दोनों को बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही आपने दी को घर से बाहर निकालने वाला ड्रामा कर दिया था। मिंटी, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड,
अंगस, just stop it now. Shut up. अब ये माहौल बिल्कुल मत खराब करो. I'm so happy. हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है. And पता नहीं पोता होगा या पोती होगी. और दो दिन के बाद सोना और ईशान की शादी होने वाली है. सब लोग कितने खुश हैं. Don't spoil the mood, please. चीजू, please. मिंटी, please. रहने दे. जाने दे मुझे. चीजू, please. No, Angad, अब तुम मुझे रोकोगी. Countdown begins. 3, 2, and 1. चीजू, रुक जाओ कालिंदी. कुछ कहा तुमने? मैंने कहा रुक जाओ. साथ में मैंने सॉरी भी सुना क्या? ये अंगद मेरे काम में कुछ ज्यादा ही टांग अड़ा रहा है. मुसीबत बन सकता है मेरे मकसद में. ये जो चाहता है बोल ही देता हूँ कि हाँ भाई, मैं एक बेईमान पुलिस वाला हूँ. नहीं तो इसके दिमाग में 50 सवाल उठेंगे और जवाब ढूंढते ढूंढते ये मेरी जड़ तक पहुंच जाएगा. फिर इसे पता चल जाएगा कि मैं कोई इंसान नहीं, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ. क्या हुआ, कहाँ खो गए? शायद पकड़ी गई. अब तुम जैसा कोई आएगा तो बाल की खाल निकलेगी. चलो, तुम जीते मैं हारा, तो तुम्हारा ये तोहफा कबूल किया. नाइस, इंप्रेस्ड. तुम बेईमानी भी बड़ी ईमानदारी के साथ करते हो. मुझे पता है तुम इतने पैसे मुझे ऐसे तो दोगे नहीं. बदले में क्या चाहिए? वाइपर. वाइपर को भूल जाओ. भूल जाओ कि कोई चांदनी नाम की लड़की थी तुम्हारी जिंदगी में. यह शहर में आज के बाद कभी चांदनी के आसपास दिखाई भी मत देना. नहीं देखूंगा. अरे, इतने पैसे मिलने के बाद तो मैं बड़े से बड़े कातिल को ना देखूं. वो तो एक छोड़नी है. अब वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए. थी, भूल जाओ कि शहर में कोई चोर नहीं रहती थी. भूल जाओ. भूल गया. ए, टैक्सी. गौरी पूजन का व्रत रखा था, तोड़ दिया. देखो, मुझसे ना ये व्रत व्रत नहीं होता. और मुझे भूख लगी थी तो मैंने खा लिया. मुझे जो करना है वो तुम करो. और वैसे भी मेरे व्रत ना रखने से तुम कहाँ गायब हो जाओगे? हाँ, मैं कहाँ गायब हो जाऊंगा? पागल तो मैं था जो मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा था, उसका क्या? तो तोड़ दो. नहीं, एक बात बोलू. हमारे जो मन में है ना, हमें वो करना चाहिए. ये रिचुअल रिचुअल बड़े बोरिंग होते हैं. है ना, मैं भी वही सोच रही थी कि हमें चोरी चोरी छुपके छुपके वो सब करना चाहिए जिससे हमें रोका गया है. तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? खाना. मतलब तुम दोनों ने व्रत तोड़ दिया, राइट? मैंने तोड़ा, इसने तोड़ा. चीटो. हम तो मुझे भूख लगी है, उसका क्या? मेरे पेट में जो हाथी, चूहे, हिप्पोपोटामस सब तोड़े, उनका क्या? मुझे भी तो भूख लगी है. तो हम ऐसा ठूस लो, आई मीन व्रत तोड़ दो. Good idea. जी जी, नमस्कार. युग है घर पे? नहीं, वो तो अभी नहीं है. ओह, फाइनली मिल गया युग का घर. कब तक आ जाएंगे? बता नहीं सकती. मैं तब तक अंदर बैठ के वेट कर लूं? हाँ, क्यों नहीं, आइए. थैंक यू. अब बैठिए, मैं फोन करके पता करती हूँ उनको कि कहाँ पहुंचे. जी. आवाज कैसी? आ गया. कैसा लग रहा है बेटा? बस बस बस, नहीं नहीं, छूना नहीं, छूना नहीं.
ठीक है। ब्रो, आई ओके? जी जो आपको क्या हो गया था, हम कितना डर गए थे पता आपको? अब ठीक तो हो ना? अंगद, तुम अब ठीक हो जा? हाँ दी, थैंक यू माँ काली। अंगद तुझे पता है कालिंदी की इज्जत के वजह से ही तेरी जान बच पाई है। हाँ थैंक यू कालिंदी। अब ये आउट ऑफ डेंजर है। थैंक यू पुत्र, आज तूने फिर से अंगद की जान बचाकर ये साबित कर दिया कि तू अंगद के लिए बनी है। अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जैसे अंगद की तबीयत ठीक होती है मैं तुम दोनों का चट मंगनी पट ब्याह करा दूंगा। क्या? राइट। बुआ जी ने कहा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं नहीं। तो बुआ जी आप ये क्या बोल रही हो? आपने ऐसा भी क्या देख लिया जो सोचने लगी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ? अरे इसमें सोचना क्या है, मैं बचपन से तुझे जानती हूँ, मुझे पता है कि तुझे कब और क्या चाहिए रहता है। बुआ जी ये फर्क नहीं पड़ता मैं क्या चाहता हूँ, फर्क इससे पड़ता है कि ये क्या चाहती है। इसने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझ जैसे के साथ कभी जिंदगी बिताने के लिए। एक ऐसा पुलिस अफसर जिसकी जिंदगी बेरहम कातिल और गुनाहगारों को सबक सिखाने में बीत रही है, इसको शादी के सपने दिखाने से पहले ये सब तो सोच लेते हैं। अब ये क्या सोच रही होगी कि हमने इसको घर में पनाह दी और इसके बदले इसको मेरी पत्नी बनना पड़ेगा? और ये बिल्कुल सच नहीं है बुआजी, जब तक इसकी यादें वापस नहीं जाती इसे बिना शर्त यहाँ रहने दीजिए बुआजी। देखो बुआ जी ने जो भी तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैंने कभी ऐसे भी नहीं कहा ना कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं आगे कुछ भी कहने से पहले सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, मेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम? हाँ मेरा नाम, मेरा नाम छोड़ो, मुझे मेरा अतीत याद नहीं है कि मैं कौन हूँ कहाँ से आई हूँ। तो अपने आज में अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लूँ? मैं इसे पीछे रख देती हूँ। थैंक यू। युग, ये सब क्या है? तुम भी रिश्वत लेते हो? माफ करना गोरी, सोचा नहीं था कि सच ऐसे सामने आएगा। सच क्या है युग, वैसे तो तुम एक बड़े सच्चे ईमानदार ऑफिसर बनते हो, सब तुम्हारी मिसाल देते हैं, लेकिन यहाँ तुमने ये पैसे जवाहरात ऐसे अपनी डिक्की में छुपा रखे। जनता का काम करने के तुम इतने पैसे लेते हो, कितने में बिकते हो? सच बताओ, सच क्या है? सच ये है कि ये पैसे चोरी के। गुड मॉर्निंग क्यूरी, ब्रेकिंग न्यूज, तुम्हारी और मेरी बहुत जल्द शादी होने वाली है। तुम्हारे मॉम डैड ने भी हाँ कर दिया है, जैसे ही तुम ठीक होगी चट मंगनी पट ब्याह। वो कहाँ हो? कौन वो? मैं यहाँ हूँ। I'm here। वो कहाँ है? डॉक्टर, डॉक्टर को बुला। Calm down, अंगद, प्लीज। क्या? डॉक्टर। क्या हुआ मिस्टर अंगद? मुझे पुलिस स्टेशन जाना है, मुझसे। प्लीज प्लीज काम डाउन। अरे बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे पता है किसने मुझ पे हमला किया, मुझे पता है। मिस्टर अंगद शांति रखिए। हटाओ इसे यार। प्लीज शांत हो जाओ। मैडम आप इनकी फैमिली में से किसी को बुला दीजिए जल्दी। मैं इनके डैड को फोन करती हूँ। लिसन, डैड को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। मिस वाइपर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे अरेस्ट करने आए हो ना? देखो अभी पॉसिबल नहीं है, अंगद की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत हाइपर है। और मैं तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ अंगद के लिए आया हूँ। क्यों? ये पुलिस का काम है और चोरों को बताना जरूरी नहीं है कि पुलिस क्यों आई है। आप इसकी क्या लगती हैं? इसकी टीचर। तो जल्दी से इसकी मम्मी या पापा को बुलाइए, दोनों में से किसी एक का होना बहुत जरूरी है। लेकिन नर्स, अरे सुनिए तो शोसी, क्या करूं? डॉक्टर, आप लोग सब ऐसे क्या देख रहे? नर्स प्लीज डॉक्टर को बुलाइए जल्दी प्लीज। रोसी रोसी सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आने तक तो इसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। आ, 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 आ,
आराम से, आराम से, आराम से। ओके मैम, पानी लीजिए। जी, थैंक यू। आराम से, आराम से, आराम से बेटा। थैंक यू बेटा, आज तुमने जो किया है ना, उसके लिए बहुत ही हिम्मत और तजुर्बे की जरूरत है। तुमने कहीं से केयर टेकर या नर्स की कोई ट्रेनिंग ली है क्या? जी नहीं। ताज्जुब है, आज इस बच्ची को CPR देकर तुमने जैसे इसकी जान बचाई है ना, ये तो कोई एक्सपीरियंस नर्स या कोई केयर टेकर ही कर सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छुपने के लिए कितनी अच्छी है ना, खूबसूरत जंगल। इंस्पेक्टर ये कितना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। गाइस, तुम लोगों को नहीं लगता कि इंस्पेक्टर युग का बिहेवियर थोड़ा अजीब है? वो हर रोज यहाँ से एक एक लड़की को बाहर निकाल कर ले जाते हैं। वो हम सबको साथ में भी तो ले जा सकते हैं ना। हम लोगों को कितनी खुशी होगी अगर हम एक साथ अपनी फैमिली से जाकर मिलते हैं, तो इतना लंबा इंतजार क्यों? प्रियंका, तेरे शक और सवाल ना कभी खत्म ही नहीं होते। देख, कहीं अगर जिंदगी है ना तो वो यहाँ है। बाहर जंगली जानवर, राक्षस सब इंसानी निवाले के लिए इंतजार कर रहे हैं। गाइस, इट्स क्वाइट ऑब्वियस है, इंस्पेक्टर युग नहीं चाहते कि हम सब लोग साथ में बाहर जाएं और बाहर बैठे जंगली जानवर और वो सब राक्षस की नजर हम पे पड़े, इसलिए वो एक एक करके हर लड़की को बाहर निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, और ये सब वो हमारी जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। और अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम खुद क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? शायद तुम सही कह रही हो, मुझे निकल जाना चाहिए यहाँ से। हाय सर। हेलो सर। हेलो हेलो। सोचा तुम सबके लिए ये मिठाई ले चलूं। लो, सब मुंह मीठा करो, लो। थैंक यू सर। पर हाँ, एक मीठी खबर भी है मोनिका, तुम्हारे लिए। बधाई हो, आज तुम्हारी बारी है अपने परिवार से मिलने की। थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय एवरीवन, हम सब फिर मिलेंगे जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बाय। चलो। ये क्या किया तूने? इतनी बड़ी मुसीबत कैसे मोल ले सकता है तू? वो लड़की आखिर हमारे घर के बाहर गई कैसे? तू जानता ना, अगर वो कालिंदी से मिल गई तो क्या होगा? तेरी कहानी सबको पता चल जाएगी, दुनिया के सामने तेरा सच आ जाएगा, मेरी यहाँ तक आने की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी, मेरी तब तपस्या सब बेकार, और गहना का जो त्याग उसका क्या होगा? मेरी सारी कहानी खत्म। शांत मेरे भाई, शांत। कैसे शांत हो जाऊँ? वो लड़की बाहर नहीं जानी चाहिए थी, बात को समझ तू। भाई, कालिंदी को घर के अंदर भी ऐसे कैदी तक रखना खतरे से खाली नहीं, फिर उसे हम पर शक होने लगेगा, इसलिए मैंने उसे एक आजाद पंछी की तरह छोड़ दिया। एक ऐसा पंछी जो जानता है दुनिया में हर तरफ उसके लिए खतरा है, एक
शायद यही जगह उसके लिए सुरक्षित है। वो घर से बाहर चाहे जहां चले जाए पर लौट के यही आएगी। इतना विश्वास भर दिया है हमने उसके अंदर। हेलो। हेलो, मैं सिटी केयर हॉस्पिटल की नर्स बोल रही हूँ। आपके घर से नर्स की ट्रेनिंग के लिए एक लड़की आई थी, मिस्टर रंगक को उनसे बात करनी है। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती है, ये ले तेरी आजाद पंछी ने बाहर जाते हमारी बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू कर दी। अंगद को उससे बात करनी है अब। शांत है रे भाई शांत। तू कब से साधारण इंसानों से डरने लग गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हो चुका है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, सब हमारे काबू में और रहेगा। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। ब्रह्म राक्षस हूं मैं। राक्षस? आपका मतलब ब्रह्म राक्षस? वो मुझे तो मैं सबको मार देगा। वो लड़की विंडो से कूद गई थी तो जरूर उसे बहुत गहरी चोट लगी होगी। चोट लगने के बाद इंसान उसका इलाज करता है। होना हो वो लड़की भी अपना इलाज कराने के लिए यहाँ हॉस्पिटल ही गई होगी, और यहाँ पास में एक ही हॉस्पिटल है तो वो इसी हॉस्पिटल में आई होगी। सिस्टर, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा। वो एक प्रियंका नाम की लड़की आई थी यहाँ पे, उसे काफी गहरी चोट लगी थी, अकेली थी, डरी हुई थी बहुत ज्यादा। प्रियंका? बेटा मैं अभी पेशेंट्स का रजिस्टर चेक करके आ रही हूँ। जहाँ तक मुझे ख्याल है प्रियंका नाम के कोई पेशेंट इस हॉस्पिटल में नहीं है। पर वैसे देखो ना कितनी इत्तेफाक की बात है, तुम यहाँ किसी और को ढूंढने आई हो और मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी जॉब रिक्वायरमेंट है और मुझे 100% श्योर है कि तुम्हारे लिए परफेक्ट है वो जॉब। बस एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी देखभाल करनी है। लेकिन मैंने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। अरे डोंट वरी, उसकी देखभाल करने के लिए नर्स की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जिंदगी की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। और मुझे पता है वो ट्रेनिंग तुम्हारे पास है। और रही बात मेडिकल इन्फॉर्मेशन की, तो वो तुम्हें मैं गाइड कर दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा परिवार है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे और तुम उनके पास बिल्कुल सेफ रहोगी। और सिर्फ तुम्हें घर पे रहकर ही उनकी देखभाल करनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस जॉब से अच्छी जॉब तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती। जब एक ही घर में इतना अच्छा काम मिल रहा है बेटा, तो जगह जगह भटकने का क्या फायदा। लेकिन सिस्टर, वो सिस्टर विस्टर कुछ नहीं, ये लो एड्रेस इनका और जल्दी से जल्दी जाकर एक बार प्लीज मिल लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अजीब फैमिली है तुम्हारी। करण मुझे लगा, लेकिन शौक सबको लगा, करण तो मुझे थोड़ा सा लगा। लेकिन तुम्हारे घर के लोगों ने पता नहीं किन किन को बुला लिया, डॉक्टर्स को, स्पेशलिस्ट को। मतलब तुम्हारे घर के लोगों के दिल मतलब तो बड़े नहीं है? सब लोग तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं होते ना। पत्थर दिल? तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? ऐसा कब कहूँ। अरे लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि मैं पत्थर दिल हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, अटेंशन मुझे चाहिए, जख्मी हालत में मैं हूँ, देखो मुझे, लेकिन ऐसी हालत में भी मैं झूठ बोल रही हूँ। हमारी लड़ाई करने की आदत है क्या? तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो? लड़ाई मैं नहीं करती, तुम करते हो मेरे साथ। हाँ तभी तो वो बात बोलने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए तब से तुम्हारे कान तरस गए। What do you mean? खुद गेस करो, क्या सुनने के लिए तुम्हारे कान तब से तरस गए? वो तो नहीं जो अभी अभी तुमने कहा। वेट अ सेकंड, तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो? देखो अगर तुम मुझे प्रपोज करना चाहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाई, ये कोई एहसान है जो चुकाना चाहते हो, तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि ये सारी चीजें ना एहसान से नहीं चलती है, दिल से नहीं करनी चाहिए। तो अगर प्रपोज नहीं करना है मत करो, शादी नहीं करनी है मत करो, मैंने कोई फोर्स नहीं किया, हम दोस्त बन के भी रह सकते हैं। यही तो मैं भी कह रहा था, मजाक कर रही थी मैं। तुम्हें जो कहना तुम कहो, जल्दी कहो। ठीक है, तो तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो ना, तो अच्छे से करना। अच्छे से कैसे होता? अरे जैसे बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, घुटनों पे जाके हाथ पकड़ के दिल में जो बात है ना सब बोल डालो। क्या बोलते हैं? अरे वो भी मुझे बताना पड़ेगा। हाँ तो इतना सब कुछ तुम बता रही हो तो ये भी तुम्हें बता दो ना। अरे शर्म नाम की चीज है तुम्हें कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि तुम्हें क्या बोलना है।
going down on your knees. और अगर डॉक्टर ने घुटनों पे बेड डालने के लिए मना किया हो तो? अरे बेड पे बैठने से मना किया? नहीं किया ना, बेड पे जाके प्रपोज कर दो। You know what? जब तुम्हारी नर्स आ जाएगी ना तो मैं उसको बोलूंगा कि डेली सुबह तुम्हारे लिए कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल जूस बनाए। रॉबिन अभी तक नर्स आई नहीं हो, तुम इतना एक्साइटेड हो? मेरा तो मन कर रहा है ना कि मैं खुद ही नर्स के कपड़े पहन के बैठ जाऊँ। फिर तो वो तुम्हारा बहुत सेक्सी वाला रोल प्ले हो जाएगा। रोल प्ले क्या बोल रहे हो रॉबिन तुम? What are you saying? तुम्हें रोल प्ले के बारे में नहीं पता? अरे रोल प्ले मतलब तुम एक सेक्सी नर्स के कॉस्ट्यूम में, मैं डॉक्टर के कॉस्ट्यूम में, फिर उसके बाद हॉस्पिटल का सेटअप, हॉस्पिटल में होंगे हम दोनों, फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में एक रोमांटिक कनेक्शन होगा, हॉस्पिटल वाला रोमांस। जस्ट सोच के देखो बंटी कितना। तुम क्या बोल रहे हो, मतलब कुछ भी, एक टॉपिक खत्म नहीं होगा, तुम पता नहीं कौन से ट्रैक पे चले गए। नेक्स्ट टाइम ना मैं अपना चेकअप खुद ही क्लिनिक में जाकर करवा लूंगी। ओह तो तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें पता है रोल प्ले के बारे में? तो मींस जब तुम्हें पता है रोल प्ले के बारे में तो चलो ना डॉक्टर और नर्स की ड्रेस ऑर्डर करते हैं और डेटिंग का एक नया फ्लेवर ऐड करते हैं। शॉपिंग? शर्मा रही हो, इसका मतलब परमिशन ग्रांटेड। मैं अभी डॉक्टर और नर्स की ड्रेस ऑर्डर करता हूँ और रोमांस का एक नया फ्लेवर लेके आते हैं हम दोनों के बीच। शट अप, प्रॉब्लम लोग क्या कहेंगे? व्हाटएवर, मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे? आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं बस अभी ड्रेसेस ऑर्डर कर रहा हूँ। ए मींस लेट मी ऑर्डर। नो नो डोंट डू दिस, लेट्स डू इट नाउ, कम ऑन। ये दोनों हैं सोलमेट, एक दूसरे को प्यार करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे। देख लिया, अब चले। रॉबिन ये पैरी जीजू का हाथ पकड़ के उन्हें कहाँ लेके जा रही है? कम ऑन बेटी, हर चीज पे इतना डाउट मत किया कर। We are just good friends. एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ओके? नहीं नहीं, ये पैरी के केस में ना ये वाली छोरी काम नहीं करती है। इसका पता नहीं ये कब क्या करने वाली है, लगता है कुछ करने वाली तो है। एग्जैक्टली रॉबिन, ये एक्सपायर्ड फैशन मार्केट ना आजकल जीजू के आसपास बहुत घूम रही है, जरूर कुछ ना कुछ कर। पैरी 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 कितनी देर लगाएगी यार, पता नहीं कब तक आएगी। युग का फोन। हेलो मिस्टर अंकल, बधाई हो। बधाई किस बात की? मैंने तुमसे कहा था कि मैं वाइपर का पीछा छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि अम्बाला की इतनी बड़ी हस्ती की इतनी बड़ी खबर मुझ तक नहीं पहुंचेगी। आज तुम्हारी सगाई है, तुम मुझे बुलाओगे नहीं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, तुम मेरी सगाई में बिल्कुल आ सकते हो, उसमें क्या है। लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें अपनी फियांसे को साथ लेके आना पड़ेगा। क्या क्या? तुम अपनी बेटर हाफ से मिलवाओगे नहीं मुझे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं चांदनी पे भरोसा नहीं कर सकता, ना ही युग पे कर सकता हूँ। दोनों ही भरोसे के लायक नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि युग कभी भी चांदनी का पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं उससे भी अच्छी तरह ये जानता हूँ कि मैं भी अब चांदनी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, ना ही युग के हाथों से लगने दूंगा, क्योंकि अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे तुम टाइम पे आ गई, चलो कोई तो ऐसे मुझे समझता है। एंगी वो मैं सोच रही थी कि मुझे ऋषिकेश जाने का प्लान ना अभी सही नहीं लग रहा है। एक्चुअली वो कालिंदी वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी और तुम्हारे लिए यहीं पर ऋषिकेश बना देगी, तो इसलिए अभी कहीं नहीं जाते। तो कौन जा रहा? मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, मैंने तो इरादा बदल दिया। What? Really? Yes, really. By the way, प्लान तुम्हारा ही था ना ले जाने का? नहीं नहीं, वो तो मैं कुछ भी बोलती रहती, तो मेरी बात क्या सुन रहे? पैरी 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 बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। What happened? वो मेकअप आर्टिस्ट ना उसने धोखा दे दिया, अब हमें नया मेकअप आर्टिस्ट ढूंढना होगा। मेकअप आर्टिस्ट? मेकअप आर्टिस्ट? तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो, पीएचडी कर रखी तुमने, तो तुम सबका मेकअप करोगी ना? या बैग वैग उठा के वापस से किसी यात्रा पे जा रही हो? कोई यात्रा वात्रा पे नहीं जा रहा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।